Hello guys, thank you for tuning in and welcome to my channel. Today I'm going to Nal Dera, which is almost 25 kilometers from Shimla, and the place is very, very beautiful and very near to Shimla. So this is considered to be the one of the most important tourist spots near Shimla. So I'm Nal Dera ja raha hu, jo ki 25 kilometer ki duri pe hai Shimla se, aur mana jata hai ki Nal Dera ऐसा माना जाता है कि काफ़ी फेमस स्पॉट्स में से है. नाल देरा में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा. फिर एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ आपको. बहुत सारी ग्रीनरी, एक नेचुरल एंड ओनली गोल्फ कोर्स, और साथ में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज से भरा हुआ है. बट शिमला के काफ़ी पास है और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर जाए अगर आपके साथ बच्चे हैं, बड़े हैं, और आपको एक पीस वाली जगह चाहिए जहाँ आप बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ खुले में फ़न कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं. तो ये एक आइडियल प्लेस होगी आपके लिए. इफ़ यू आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स फैमिली, सो दिस इज़ एन आइडियल प्लेस टू गो. आई वुड सजेस्ट कि आप खाना शिमला से खा के आएँ, क्योंकि रास्ते में आपको एटलीस्ट कोई इतने खास अच्छे ढाबे या इतने अच्छे फूड स्टॉप्स नहीं मिलेंगे, और वहाँ जाके भी आपको सिर्फ मैगी पॉइंट्स और एक आधा कोई पराठे वाला मिलेगा, और इतना अच्छा कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जहाँ पर आप की जो भूख है वो मिट पाए. हाँ जी तो guys, thank you for tuning in and welcome to my channel Techno Traveler Sandy. So आज हम नालदेरा में, और मैं आपको बता दूं कि नालदेरा शिमला से, अगर आप मेन बस स्टैंड से चलोगे तो शिमला से वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से है टाइम आउट की. और शिमला से जब हम चलते हैं तो शिमला से अप्रॉक्सीमेटली ये है 1 आवर से लेके 45 मिनट के बीच. जगह बहुत ही ऑसम है अगर आपको नेचर के बहुत ज़्यादा शौकीन है, इफ़ यू लव नेचर एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम, फ्री टाइम विद योर फ्रेंड्स फैमिली, और बड़ी खुली सी जगह पे आप एक अच्छा सा टाइम आउट स्पेंड करना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट एंड आइडियल प्लेस फॉर यू पीपल.
क्योंकि अगर आप बाहर से कहीं आए हैं और आपने इस तरह का व्यू नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि मस्ट कम प्लेस है, शिमला से काफ़ी पास में है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से ऊपर जहाँ पे थोड़ी बहुत मेन एक्टिविटीज़ होती हैं नालदेहरा, जो भी एग्जैक्टली यहाँ है तो मैं आपको ज़रूर इसमें दिखाऊँगा। सो प्लीज़ डू फॉलो मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हॉर्स राइड करके भी आ सकते हैं, तो आपको डिफरेंट रास्ते से लेके जाएंगे। यहाँ पे कुछ चार पांच स्पॉट्स हैं, मैं आपको बता दूँ जो आपको उस हॉर्स राइड में दिखाएंगे। चार्जेस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इसके चार्जेस कितने लगते हैं हॉर्स राइडिंग के। अगर आपको हॉर्स नहीं लेना तो पैदल यहाँ से आ सकते हैं इस रास्ते से। कोई नहीं, कल आते हुए खाते हैं, अभी तो है आप ही। बस आते हुए खाऊंगा अंकल। मैगी बनाते हैं अंकल? मैगी बहुत अच्छी बनती है, प्याज टमाटर शिमला मिर्च हरी मिर्च वगैरह डाल के भी है सिंपल। अच्छा, कितने लेते हैं मैगी के अंकल? सिंपल के 30 रुपये, वेजिटेबल के 40। ठीक है अंकल। तो यहाँ पे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं जिसमें से आपको बर्मा ब्रिज, जिप लाइन, रैपलिंग, वैली क्रॉसिंग, बैम्बू ब्रिज, रिवर राफ्टिंग। हम सरप्राइज हैं रिवर राफ्टिंग कहाँ होती होगी, बट लिखा है। बट ये इस तरह का आपको थोड़ी बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप आएंगे फैमिली या बच्चों के साथ, तो हम श्योर आप इंजॉय करने वाले हैं।
ये वो जिप लाइनिंग वाली है, ये तार सीधी वहाँ तक जाती है। ये चार्जेस इन सब के वन टाइम के 500 से लेके 600 के बीच रहते हैं। वन टाइम 350-350 से शुरू होती है और आप कर सकते हैं 500-600 के बीच के सब कुछ होता है पर पर्सन। तो ये सब है, बाकी तो ब्यूटी है। ये रास्ता है घोड़ों के लिए और इसी वजह से आप देख रहे हो, ताकि उनके पैरों में अच्छा ग्रिप रहे, थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन किया होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बारिश या बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो जाता है। तो दिस इज़ दी रोड एंड आई वुड टेक यू टू वन अदर प्लेस, जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एक मंदिर है माता का, यहीं से जहाँ आपको लेके जाते हैं, और उससे भी थोड़ा सा ऊपर कुछ साइट्स हैं जो आपको दिखाते हैं। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में वहाँ लेके जाता हूँ, तो आप रास्ता एंजॉय कर पाना। Now 10-15 minutes I've been walking. तो ऊपर जाके भी मैं आपको बता दूँ, if you are not good at walking, so you might feel tired because रास्ता सारा ऐसा ही है। तो यहाँ से आपको 15-20 मिनट में ऊपर एक मंदिर दिखेगा और व्यू है बहुत शानदार सा, जो कि मैं आपको भी दिखाई दूंगा मेरे साथ चलते चलते। और बस यही है, ब्यूटी है यहाँ पे, आप यही इंजॉय कर सकते हो ब्यूटी, जो कि बहुत ज़्यादा है। साथ में खाने के लिए अगर आप सोचोगे कि यहाँ कुछ अच्छा फूड या अच्छा ढाबा रेस्टोरेंट है, तो वो यहाँ आसपास है नहीं। मैगी पॉइंट्स है और थोड़े बहुत परांठे वगैरह नीचे बन जाते हैं, तो बस यही सब है। क्या है कि इस जगह की एक अपनी खासियत है, जस्ट बिकॉज द प्लेस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अडोरेबल। साथ ही में गोल्फ कोर्स है नीचे, अगर आप गोल्फ पसंद करते हो तो आप गोल्फ जा सकते हो, वहाँ से एंट्री लगती है और आप गोल्फ खेल सकते हो। जगह सेफ है, अच्छी है,
सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो देखो यार, शिमला में ब्यूटी है ज़्यादा देखने के लिए। बाकी यहाँ पे इतना खास कोई अभी इतना डेवलप नहीं किया है एडवेंचर स्पोर्ट्स और हर चीज़ को, तो चलते रहो बस ऊपर और ऊपर। यहाँ से बस 5 मिनट में मंदिर पहुँच जाएंगे, तो मैं आपको मंदिर तक दिखा दूंगा क्या है और कैसा दिखता है आसपास का व्यू। तो यही सब है जो मैंने आपको दिखाया, यही सब है यहाँ करने के लिए नालदेहरा में। तो ये एक स्पॉट था जो मेरा बच गया था शिमला में रह के, बस बाकी जब बर्फ पड़ती है यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा लगता है और ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारा सफेद रहता है सब कुछ, तो सही हो जाता है। बाकी रास्ता तो आप देख ही रहे हो, तो लेडीज के लिए और फीमेल्स के लिए सजेशन है कि आप हील्स में ना आए यहाँ पे। डू नॉट कम वॉकिंग, हमें डू नॉट कम वेयरिंग हील्स, फ्लैट शूज। अगर आप इस साइड पैदल आ रहे हो, घोड़े पे आ रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है, बट पैदल अगर आप हील्स में आओगे तो आपको ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप रास्ता देख ही चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा रास्ता। तो इसीलिए आओ तो अच्छे जूते पहन के। We've reached the temple. तो आपको ये एक माता का मंदिर दिखाएंगे अगर आप घोड़े पे भी आते हैं यहाँ पे। ये मंदिर है तो इसका दर्शन करेंगे, यहाँ मंदिर का माता का मंदिर है, और उसके बाद आप यहाँ जाओगे तो आगे बड़ा खुला सा मैदान बहुत बढ़िया सा दिखेगा आपको, कुछ आसपास पेड़ इतने घने हैं वरना व्यू बहुत अच्छा है सामने। बस यही सब है नालदेहरा में, कैसा लगा? And thank you.
something else, please do let me know in my message box and do follow me on Instagram on sandychaudhary_ as well. So guys, this is it for now, and ye naal dera. Agar acha laga to please do not forget to like, share and subscribe my videos. आपको बता दूं, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आओगे तो मस्त टाइम आउट होगा. बहुत अच्छी प्लेस है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. काफ़ी खुली स्पेस है, बच्चे घूम सकते हैं इधर उधर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सो इफ़ यू डिड लव इट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर लव, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, और बताना अगर और कुछ भी वीडियो में आपको अच्छा लगता है तो. शिमला से काफ़ी पास है, और भी काफ़ी सारी जगह हैं, मेरे वीडियोस आप मेरे ब्लॉग पे देख सकते हैं. मैंने शिमला में काफ़ी और भी जगह एक्सप्लोर की हैं. तो अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, आई होप यू लव्ड इट. मेरे आसपास देखो व्यू कितना शानदार है. नीचे से आती हुई वो यहाँ खत्म होती है, यहाँ से पूरा एक राउंड लाके वो आपको यहाँ छोड़ेंगे नीचे. तो यहाँ आप आ सकते हैं, वहीं से यहीं निकलते हैं. वैसे ये वाला पॉइंट है सामने मेरे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो आते हैं सामने से. नालदेरा और जगह बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड माय फ्रेंड्स डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ. थैंक यू.